पिछले 100 वर्षों में ऐसे कई राजनीतिक नेता हुए जिन्होंने सबसे भयावह जनसंहार, हत्याएं, क्रूर कारनामों को अंजाम दिया, जिस कारण उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। दुनिया में अलग अलग दौर में कई खूंखार और जालिम तानाशाह हुए हैं जिनके जुल्मों की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा ही एक तानाशाह है किम जोंग उन। किम के क्रूर कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है, उन्हीं में से एक है किम का प्लेजर स्क्वाड। किम जोंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे समय समय पर होते रहे हैं। उत्तर कोरिया से भाग कर आई एक लड़की योनमी पार्क ने हाल ही में किम जोंग उन के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया था। लड़की का दावा था कि किम जोंग उन हर साल 25 कुमारी लड़कियों को अपने प्लेजर स्क्वाड के लिए चुनता है। ये सिलेक्शन शक्ल, सूरत और राजनीतिक निष्ठा के आधार पर होता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के गोपनीय प्लेजर दस्ता की वो कहानी है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। कहा जाता है कि इसमें स्कूली लड़कियों को भेजा जाता है। दावा है कि इन लड़कियों को वहां के सैनिक अचानक उठाते हैं। कई बार तो इन लड़कियों को स्कूल से ही उठा लिया जाता है और प्लेजर स्क्वाड के सामने पेश किया जाता है। सिलेक्शन के बाद लड़कियों की मेडिकल जांच की जाती है और रूटीन चेकअप होता है। इस बात की भी जांच की जाती है कि वो वर्जिन है कि नहीं। जांच के दौरान मामूली निशान जैसे छोटी से छोटी कमी भी सिलेक्शन से रोक देती है। कठोर टेस्ट के बाद पूरे उत्तर कोरिया से केवल कुछ लड़कियों को प्योंगयांग भेजा जाता है जहां उनका एकमात्र उद्देश्य तानाशाह की इच्छाओं को पूरा करना होता है। प्लेजर स्क्वाड को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें से एक को मसाज के लिए ट्रेन किया जाता है तो दूसरे को डांस और गाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि तीसरे ग्रुप को तानाशाह और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाना होता है। सबसे आकर्षक लड़कियों को तानाशाह की सेवा के लिए चुना जाता है, वहीं अन्य को निचले स्तर के जनरलों और राजनेताओं को संतुष्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, एक बार जब टीम के किसी सदस्य की उम्र 20 साल हो जाती है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनमें से कुछ की शादी अक्सर नेताओं के बॉडीगार्ड से होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत 1970 के दशक में किम जोंग उन के पिता किम जोंग द्वितीय के शासन के दौरान हुई थी और ये सिलसिला तब से ही चला आ रहा है।